क्या यार वो भी ऐसी मैडम का होने का क्या फायदा जिनके होने से हम अपनी मन मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकते। या दिस वन ना खुद कहीं जाती है मैडम, ना हम लोगों को कहीं जाने देती है। या दिस वन दो दिन यार, दो दिन की छुट्टी दे देती, कहीं घूम आते, क्या जाता मैडम का। या दिस वन अब तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी अब ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी मैडम के जुल्म और सितम सह सह के बिना कुछ कह कह के पूरी लाइफ ऐसे ही काटनी पड़ेगी। या दिस वन अरे क्या यार दिस वन यार दिस वन यार दिस वन लगा रखा है तूने यार, कुछ सोच ना, कुछ ऐसा कर जिससे हम अपनी जिंदगी आजादी के साथ जी सके यार। वर्ल्ड गुलगुले व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर इज द, काश मॉम का हो जाए ट्रांसफार्मर इज द ट्रांसफर। या दिस वन लेकिन यार मैडम का ट्रांसफर होना कोई इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता तेरे रिटायरमेंट से पहले मैडम का ट्रांसफर होगा। अब बोल यार दिस वन बोल कैरी ऑन। क्या करें यार, जब जिंदगी बन गई है पाओ तो कैसे होगा वाओ। या दिस वन ऐसे ही लाइफ काटनी पड़ेगी लगता है। वाह, अरे आइए आइए, मारी आंखों के तारे, मारे कलेजे का सुकून, हिंदुस्तान की शान, चौकी की शोभा, मारे सुरबीर। क्या हो गया यार, एक मिनट है, व्हाट इज टाइम? अरे क्लॉक में तो 10 बज रहा है, तुम्हारे फेस पे 12 क्यों बज रहे हैं मन्ने देख के? अरे एक ही घंटा तो लेट हो, उसमें क्या हो गया? आजकल यार इतना ट्रैफिक हो गया, वी आर ऑल ह्यूमंस यार, डिक्टेटेड बाय यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, एनवायरनमेंट एंड ऑल। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मतलब मैडम देख, मैं जानता था मैं तुझे कह नहीं रहा था। हाँ, मैं तुझे कह रहा था कि मैडम जितनी अड़ियल से, मतलब जितनी खुर्राक से, मेरा मतलब जितनी गुस्से वाली दिखती है उतनी है नहीं। Not at all, यार। बिल्कुल नहीं, मतलब दिल एकदम मोम का है, मोम। Oh yeah, yeah. Well, mom, हम कल से नहीं होंगे लेट इज द, मैं बना रहा था आमलेट इज द। अच्छा, अरे आमलेट मतलब क्या, पूरे जो है शहर के लिए आमलेट बन रहा था तुम्हारे हाथ से कि इतना टाइम लग गया आमलेट में? नो मॉम, आमलेट खा रही थी मेरी सास इज द, जिसके लिए बनाने पड़े मुझे आमलेट 50 इज द। और भाई तुम पे कौन सा कहर टूटा है, तुम किसकी सेवा में तल्लीन थे? मैं वो मैडम क्या है कि मुझे कपड़े सुखाने नहीं आते ना, तो मैं अपनी छत पे गया हुआ था जरा कपड़े सुखाने, और मुझे आ नहीं रहा था, तो कहीं से मेरी पड़ोसन कूद के आ गई और गीले कपड़े सुखाना मुझे वो सिखा रही थी कि, फिर मेरी बीवी आ गई और उसने मुझे गीले कपड़े सुखाते हुए देख लिया और मेरी बीवी का चेहरा पसीने से एकदम गीला हो गया, तो अब अपनी बीवी के गीले चेहरे को सुखाते, मेरा मतलब है पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग गया बस इसलिए। वाह, व्हाट ए डिलाइटफुल स्टोरी, मतलब सूखा गीला, वेरी नाइस। वैसे जो है तुम लोगों की जो है एक काबिलियत से खुश होके मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा सा सर, लिटिल वेरी स्मॉल यार, मैं हम्बल टोकन ऑफ लव, एक सरप्राइज समय लाई हूँ। ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स मैडम, आपका गिफ्ट। Oh my God! I am sorry, is the truck current lorry is the. आगे से अगर मैं यो सास और पड़ोसन और ये बिल्कुल ही फैमिली एक्टिविटी की वजह से अगर लेट होना मैंने देख लिया तो ट्रक कार लारी एक एक पकड़ के खेच खेच के मारूंगी मैं तुम दोनों पे। मैडम आप बिना एक नंबर की होली है मैडम, आ जाए हम तो, हमें कुछ नहीं, हम टाइम पे आ जाएंगे ना गोपी, एकदम टाइम पे आ जाएंगे। लेकिन आके फायदा क्या है मैडम, इस पूरे शहर में आपके डर से कोई क्राइम होता तो है नहीं। हाय हाय, अब क्राइम होता ही नहीं है तो हम जल्दी आके करें क्या? क्राइम ना होता शहर में, कौन बोला यो? मैं कह रहा हूं। चंद्रमुखी जी सर, पिछले 2 महीने की क्राइम रिपोर्ट आ चुकी है और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इलाके में क्राइम का नामो निशान मिट गया है। थैंक यू सर। इसलिए
पुलिस डिपार्टमेंट आपका ट्रांसफर कर रहा है। क्या सर, सर सर क्राइम खत्म हो गया तो मारा ट्रांसफर? आपको ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आप जैसे पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच के क्राइम एकदम खत्म कर देंगे। पर आई एम सेटल्ड हियर सर। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसे हमको फॉलो करना होगा। कल से आपको खोपड़ीगंज ट्रांसफर किया जा रहा है। जय हिंद। यार न्यू कमिश्नर जब भी आवे कुछ ना कुछ मनहूस खबर सुना के जावे। मैडम हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? मारा ट्रांसफर? मैं नहीं। ये अच्छा नहीं हुआ यार गोपी। यार गोपी मैडम के बिना ये चौकी जैसे छोले के बिना भटूरा, आलू के बिना समोसा। या दिस वन। यार हम दोनों का तो वैसे ही काम में कोई मन तो लगता नहीं है गोपी, पर मैडम के बिना तो और मन नहीं लगेगा काम पे। या दिस वन। क्या कर रहा है यार तू? यार और मेरे को रैप्टे कौन मारेगा गोपी? रैप्टे खाने के लिए तरस जाऊंगा मैं। अपने घर जाके बीवी से कहना पड़ेगा कि मुझे रैप्टे मारो। या दिस वन। अभी क्यों नहीं आया तू? अरे क्या या दिस वन लगा रखा है तूने? या मैडम के ट्रांसफर से मैं इतना दुखी हूं और तुझे बस या दिस वन। Well, Gulgule, I am also not happy is the बच्चों को पहनाई जाती है नैपी is the। यार मैं ये सोच भी नहीं सकता था जो बात मैंने एमी कही है वो बात सच हो जाएगी, भी मम्मी जी का ट्रांसफर हो जाएगा। काश काश उस वक्त मैंने ये सोचा होता कि ट्रीना कैफ मेरे साथ डिनर पे जाए। डिनर पे तो हम तुझे ले जाएंगे बेटा। डिनर पे जाना है? Well, sir, what you told is the महंगा हो गया गोल्ड is the। चुप बैठो गोपी। महंगा हो गया जो भी हो गया है। हम सोच रहे थे कि किस मनुष की काली जुबान की वजह से मिस चौटाला का ट्रांसफर हो गया। अरे सर वो गोपी ने तो बस यूं ही कह दिया था। चुप बैठो गुलगुले तुम। No one will come between me and Gopi is the। आप रो रहे हैं सर? रो रहे? सर मुझे पता था सर, सर मुझे पता था कि मुझे आप जितने घटिया बेकार और अत्याचारी टाइप के आदमी लगते हैं सर, आप वैसे हैं नहीं सर। नहीं आप वैसे नहीं है सर। मतलब आपको गोपी पे तरस आ ही गया ना बेचारा गोपी। अबे हम इसके लिए नहीं रो रहे बे। इसके लिए क्यों रोएंगे हम? इसके वजह से तो जो हुआ है इसकी वजह से हुआ है। हमें मिस चौटाला की याद आ रही है। प्लीज सर एक्सक्यूज मी इज द दुखने लगे हैं मेरे नी इज द। नहीं दुख रहे? बहुत दुख रहे है। हमें तो मजा। सर सर मैं आपको यही बताने आया हूँ सर। सर मेरे पास एक प्लान है सर, जिससे कमिश्नर साहब मजबूर हो जाएंगे और मैडम को इस चौकी में वापस ट्रांसफर कर देंगे। वाव 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 वाव। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ सर, मैंने प्लान का पहला स्टेप तो आगे भी बढ़ा दिया है सर। अब आप देखिए कैसे कमिश्नर साहब मजबूर हो गए मैडम को फिर से यहाँ भेजते हैं। गुलगुले तुमसे हमें ये उम्मीद थी। सारा काम छोड़ दो, बस इसी काम पर लग जाओ। No other work, only this, okay? सर मुझ पे छोड़ दीजिए सर, just leave it to me सर। अब आप देखिए सर, गोपी सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। Thank you। पक्का? छोड़ना नहीं, काम खत्म करना। आज की तुम्हारी पनिशमेंट खत्म। Stand up। First half over, second half शुरू। हमें एक गाना सुनाओ। देखे देखे देखे। दुख भरा, सैड सा। देखे 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 देखे। यादों वाला। लेकिन सर मैं गाना सब सुना। आइए आइए। आपने हमें याद किया। वाव 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 वाव। अगरबत्ती सुलग गई। हाहा। अरे क्या हुलिया बना लिया तुमने अपना? और एक तो तुम एक घंटा लेट आए हो, टाइम की कोई वैल्यू है कि नहीं तुम्हें? हम लोग बिजी लोग हैं यार। क्या करते जजमान, भोजन ग्रहण कर रहे थे भगवान।
उससे पहले हम कर रहे थे आरती, तभी आ गई हमारी प्रिय शिष्या भारती। अब हम तो जल्दी आ जाते अगर ये हमें आंख ना मारती। अगरबत्ती सुलग गई। लव यू प्रेमानंद, इश्क की बत्ती गुल, लव का फाटक बंद, हुस्न हक का नूडल है। ओ बंद करो ये ड्रामा यार। तुम दुनिया के लिए बन गए होगे ये प्रेमानंद या जो भी कुछ हो तुम, लेकिन हमारे लिए तुम आज भी वही उठाई गिरे पॉकेट मार एक नंबर के सड़क छाप चोर लव कुमार हो। ये क्या कह रहे हैं जजमान, सारे धर्म हैं एक समान। हम तो कब का छोड़ चुके हैं चोरी चकारी और बन बैठे हैं मंदिर के एक तुच्छ पुजारी। अगरबत्ती सुलग गई। आहा ये लव यू प्रेमानंद, इश्क की बत्ती गुल, लव का फाटक बंद, हुस्न हक का नूडल है। Well, तुम्हें वापस करनी होगी चोरी चकारी इज्दा, यही है ऑर्डर सरकारी इज्दा। हाँ यार चोरी करो पॉकेट मारो, जो पहले किया करते थे वो सारी चीजें करो तुम। नहीं नहीं नहीं, दुहाई है दुहाई, हमें आज तक याद है अपनी वो सुताई जो मैडम ने की थी मंडे टू संडे, और हमने बंद कर दिए थे अपने सारे वो गलत धंधे। तब से हम बन बैठे हैं मंदिर के पुजारी, क्योंकि पिट पिट के बॉडी पूरी सूज गई थी हमारी। अगरबत्ती सुलग गई। आहा लव यू प्रेमानंद, इश्क की बत्ती गुल, लव का फाटक बंद, हसन हक का नूडल है। देखो यार जरा बात को समझो, क्या है कि मैडम का ट्रांसफर हो गया है यार, अब मैडम यहाँ पर है नहीं। अपना ये पुजारी का चोगा उतारो और अपने पुराने धंधे में लग जाओ यार। यूं ही समझ लो कि तुमको पुलिस की मदद करनी है, मतलब हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अगर आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं फिर से शुरू कर देता हूं अपने वो सारे पुराने धंधे। यस! अगरबत्ती सुलग गई। लव यू लव कुमार, इश्क का चढ़ा कुमार, हुस्न हक का नूडल है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना कि तुम जो कुछ भी चोरी करोगे ना, जो भी पॉकेट मारोगे, वो सारा सामान लाके यहाँ पर जमा कर देना, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन है और एक बार मिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद सब लोगों का सामान हम लौटा देंगे, सबका लौटा देंगे। ओके ओके। अगरबत्ती सुलग गई। अभी चलना, अगरबत्ती सुलग गई, हो गया सब खत्म, हो गया यार। वेरी गुड। गोपी तू पागल हो गया, ये क्या कर रहा है? Well, मैं पी रहा हूँ मैंगो स्लाइसेस दा, जो है बहुत नाइसेस दा। हाँ लेकिन मैंगो स्लाइस की इतनी सारी बोतलें। या लप्पी लूथरा ने मेरा दिल है तोड़ा इसदा, मुझे है अकेला छोड़ा इसदा। मैंने सोचा अब बेकार है जीना इसदा, मैं डेट पे जाऊंगा विद कटरीना इसदा। क्या बात कर रहा है यार, तो कैटरीना कैफ के साथ डेट पे जाएगा, लेकिन कैसे? Well, अगर कैटरीना के साथ डेट पे जाना है तो मैंगो स्लाइस पियो और मजे की लाइफ जियो, क्योंकि कैटरीना का नंबर है मैंगो स्लाइस क्राउन के अंडर इज़दा, मैं बनूंगा मुकद्दर का सिकंदर इज़दा। Well, where the you the go इज़दा, ये सुन के तुझे गया है क्या हो इज़दा? अरे गोपी मैं भी जा रहा हूँ मैंगो स्लाइस पीने, अब तू अकेला कैटरीना कैफ से नहीं मिलेगा, मैं भी मिलूंगा और डेट पे भी जाऊंगा, तू देखता जा। नो प्रॉब्लम। क्या ये सब? ये क्या है? ये पुलिस चौकी है सर। वो तो मैं भी जानता हूं कि ये पुलिस चौकी है,
लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं, उनके जेबें काटे जा रही हैं, क्यों? सर हमसे जितना हो रहा है उतना हम कर रहे हैं सर, जितना बन पड़ता है करते हैं सर। शट अप! हद हो गई। अरे यहाँ तक हद हो गई कि कमिश्नर की जेब काट ली गई। जब से मम्मी जी गई हैं, ये शहर संभाले भी नहीं संभल रहा जी। चोर जाग गए हैं जी, कितने अपराधी जेल से भाग गए हैं जी। हाँ सर, सच तो यही है सर कि पूरा शहर अगर किसी से डरता है तो वो मैडम है सर। और अब वो यहाँ पर है नहीं तो लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं सर, सर हम हैं ना सर, हम तहकीकात करेंगे सर, चोरों को पकड़ेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे सर। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मिस चौटाला की वापसी चाहिए। इस चौकी में मिस चौटाला की वापसी चाहिए और वो जरूर होगी। मैं आज ही मंत्री साहब से बात करता हूँ और कल तक यहाँ पे मिस चौटाला होंगी, जरूर होंगी। यस सर, आइए सर, आइए सर, आइए। अरे सर सुना सर, आपने, मैडम आ रही है, कल वापस आ रही है। क्या बात कर, मिस चौटाला वापस आ रही है? पक्का? अरे गुलगुले, थैंक यू सो मच यार। गोपी सॉरी यार, मैंने तुम्हें बहुत पनिश किया। वेल सर, आपने लगाई थी मेरी बात इज द नाउ मेंशन नॉट इज द। इधर इधर इधर। मैडम आपको पता नहीं होगा, वो तो कमिश्नर साहब की गाड़ी मैडम, वो तक चोरी हो गई, बताइए। ऐसा ये जो स्टोरियां पेल रहे हो ना हमारे सामने, इसकी जरूरत ना है। मारा नाम चंद्रमुखी चौटाला है, मन ने सब बेरा है। oh, yeah! कि मन ने वापस बुलाने के लिए जो है ना, तुम लोगों ने खूब जो है क्राइम रेट बढ़ाने की कोशिश करी, शहर में लूटपाट मचाई है। और एक मिनट, किसकी मदद ली उस लौंडे के नाम के? लवर कुमार। हाँ लवर कुमार, वो पड़ा है हमारी गाड़ी में टूटा हुआ जीप में। और तुम दोनों की तो चौटाला, वेलकम बैक। हम इतने खुश है कि आप वापस आ गए, हम बता नहीं सकते। मैं छोटा लाइन को माफ कर दीजिए, इन्होंने जो कुछ भी किया है हमारी कहने पर किया है, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा मतलब है, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं छोटा लाइन, हम आपके बगैर जी नहीं सकते। हाय हाय, बाहर मिल तो मुझे। हमारा मतलब है मिस चौटाला के इस चौकी में आपके बगैर जी नहीं लगता, केस में मन नहीं लगता, जी नहीं लगता, कुछ करना अच्छा नहीं लगता। हाँ तो माफ कर दीजिए मिस चौटाला, क्योंकि इन्होंने जो किया तरीका गलत था, लेकिन नियत करेक्ट थी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं इन्हें माफ कर दे दूं। पर ऐसा है, लोगों का जो लूटपाट मचाई है उनका सामान वापस करो लूट का। अरे हाँ, वो तो लौटाएंगे ना। एक मिनट। ओह हेलो सर, सर सर मैंने ज्वाइन कर लिया है। नीनी आप टेंशन ना ले, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ आपकी गाड़ी चोरी हुई है सर, मैंने सुना ऐसा सर, इन अ डे। ओके सर, मिल जाएगी। ओके सर। कमिश्नर की गाड़ी चुरा ली, कहाँ है गाड़ी, वापस करो। अरे मैडम उसका टेंशन आप मत लीजिए ना, अपने चौकी के कंपाउंड के पीछे जो जगह है वहाँ गाड़ी खड़ी है, दे देंगे वापस। गुलगुले भैया, आपने जो मेरी दुकान के पीछे कार खड़ी की थी उसे कोई चोर चुरा के ले गया। Is that the commissioner's car? Yes.